प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रूपया बत्तीरी पर एक विकास परियोजनाओं कर शुभारंभ शिलान्यास। केरल त्रिशूर में महिला शक्ति रैली ने भी करेला संबोधित। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह कोगामेड़ी हत्या मामला में जांच जारी। एनआईए राजस्थान और हरियाणा में 31 स्थानों पर कर रही है छापेमारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत परदेश भर में शिविरों हो रही है आयोजन। आमजन ने केंद्र सरकार की योजना वसू करियो जा रही है लाभान्वित। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर रो दौर जारी। कई ठोड़ा माथे घणो कोहरो छाबासू सड़क और रेल यातायात प्रभावित। जयपुर और सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आज 67वीं नेशनल स्कूल अंडर 17 बालिका कबड्डी प्रतियोगिता रोई हुए आगाज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप रा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री अठे कावारत्ती माए 1150 करोड़ रुपया सु पत्तीरी सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल परियोजना और पेयजल आपूर्ति और बैटरी चालित सौर ऊर्जा परियोजना समेत कई विकास परियोजना वारो शुभारंभ और शिलान्यास करया। इन मौके वे कहा कि आजादी रे पाछे लक्षद्वीप ने पहली बार सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल सु जोड़ियो गयो है। यहाँ प्रदूषण कम होगा और समुद्री इकोसिस्टम पर भी कम से कम प्रभाव पड़ेगा। എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇന്ന് ഭാരതം മത്സ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ വിദേശ കമ്പോ इंद्र पछे प्रधानमंत्री केरल र त्रिशूर माए महिला शक्ति रैली ने संबोधित करेला। कार्यक्रम माए 232 महिलावां शामिल हुवेली। प्रधानमंत्री अठे रोड शो भी करेला। स्त्री शक्ति मोदी कोप्पम में भाग लेने का ये कार्यक्रम है, जिसमें इसका अर्थ ये है कि महिला शक्ति मोदी जी के साथ खड़ी है। ये महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री का जश्न मनाने और आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं होंगी, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। स्त्री शक्ति रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का त्रिशूर में रोड शो का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रा अध्यक्ष सुखदेव सिंह कोगामेड़ी री हत्या रा मामला री एनआईए जांच जारी है। मामला ने लेर एनआईए आज राजस्थान और हरियाणा माए 31 थौड़ा माथे छापेमारी कर तलाशी ले रही है। इन्हीं कड़ी माए टोकरा अलीगढ़ कस्बा माए एनआईए री टीम मामला माए लिप्त पूजा सैनी रा घर माथे सर्च री कार्रवाई कर पूछताछ करी। मामला माए अबार ताई 4 लोगों ने गिरफ्तार करियो जा चुकियो है। हिट एंड रन मामला में बढ़ी सजा के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स कानीसू देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। केंद्र रा इन आश्वासन रे पाछे खत्म वे गयो कि प्रावधाना ने लागू करवा रे पहली वणारे साथे चर्चा करी जावेली। गृह मंत्रालय भारतीय न्याय संहिता रे तहत हिट एंड रन मामला रा नुवा प्रावधाना सु जुड़ी चिंतावां माथे चर्चा करवा खातर ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस रे साथे नई दिल्ली में बैठक करी। सरकार से बातचीत के बाद देश भर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई। गृह मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श अवश्य किया जाएगा। देश भर में ट्रक चालकों की ओर से नए कानून की धारा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते वे हड़ताल पर चले गए।
इस धारा के तहत प्रावधान है कि हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कल गृह सचिव अजय भल्ला ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये नियम अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सहित सभी चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील की थी। जयपुर में सुशासन दिवस के तहत भारतीय जनता पार्टी कानीसू स्वच्छ जयपुर स्वच्छ प्रदेश सघन स्वच्छता अभियान चलायो जा रही है। इनके तहत आज मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर माथे साफ सफाई करेगी। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधायक कालीचरण सर्राफ समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहा। वे इन्हीं कड़ी में जयपुर जंक्शन माथे भी पार्टी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलायो। इन दौरान सांसद रामचरण बोहरा, विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर नगर निगम टेचरी महापौर मुनीश गुर्जर समेत के लोग मौजूद रहा। रेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आम जन का काम पड़ता है। कोई फ्लाइट में जाते हैं बड़े लोग, पर आम आदमी अगर सफर करता है तो रेलवे करता है। आम आदमी को आने के बाद ये लगे कि स्टेशन मेरा है, इसमें सब मेरे अधिकारी हैं, मैं कहूंगा जो काम होगा मेरी सारी व्यवस्था रहेगी, तो अपनत्व की भाव जब तक डेवलप नहीं होता तब तक काम में सार्थकता नहीं आती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज सांभर रा दौरा माथे है। केंद्रीय मंत्री रा अठे सर्किट हाउस पुगबा माथे पूर्व विधायक निर्मल कुमावत वनारी अगुवाई करी। मंत्री गिरिराज सिंह अठे सांभर सोल्ट्रा अधिकारियां रे साथ है उच्च स्तरीय बैठक कर रिया है। बैठक रे पाछे वनारू मां शाकंभरी माता रा मंदिर जाबारू और सांभर भील रा भ्रमण रू कार्यक्रम है। और आओ अब नजर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरामात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जयपुर मालवी नगर में शिविर रो आयोजन करो गयो। इनमें घनी संख्या में लोग केंद्र सरकार की के योजना वाली जानकारी लेवा रहे साथ ही आपरो पंजीयन भी करायो। इन दौरान मालवी नगर रा पार्षद रमेश चंद सैनी पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों ने चेक बांटिया। वही इन योजना के तहत चेक लेवा वाला लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। भीलवाड़ा जिलारी सुवाणा पंचायत समिति रा पांसल गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर रो आयोजन करो गयो। इनमें किसाना ने मृदा कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड समेत ड्रोन प्रशिक्षण री जानकारी दी गई। इन मौके कृषि विज्ञान केंद्र रा प्रोफेसर डॉक्टर केसी जीन गर कया कि शिविर में किसाना ने खेती री नवीन तकनीकारी जानकारी भी दी गई। वही शिविर में आया किसान कया कि वणा ने शिविर सु सरकारी योजना वारो लाभ मिल रियो है। आज का जो माननीय मोदी जी का एक संकल्प है कि भारत के अंदर प्राकृतिक खेती का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, जिससे कि किसान और आम जन है वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, इससे मृदा का स्वास्थ्य भी बनेगा और हमारा भी स्वास्थ्य बनेगा। इसके अंदर किसी भी तरह की रासायनिक खाद रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और साथ में जितनी भी योजनाएं हैं कृषक हितार्थ उन सभी का हम यहाँ पर किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। कृषि विभाग में मेरे खेत में साथी जी को ले जा करके मिट्टी की जाँच करवाई, मिट्टी का रिजल्ट आया तो साहब ने बताया कि भाई आप इस प्रकार के इस खाद का प्रयोग करो आप, तो मैंने उसका प्रयोग किया तो उसका मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला। मैं आगे भी उससे मेरे भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने जो विधि अपनाई उस विधि को आप भी अपनाओ, आपको अच्छा इसमें उत्पादन मिलेगा। प्रदेश में नुवा साल माथे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रा पात्र परिवार ने सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर दिया जाबारी योजना रो लोग स्वागत करियो है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत आयोजित शिविर में उज्ज्वला योजना में पंजीकरण कराबाई महिला बतायो कि 450 रुपया में सिलेंडर मिल पासू आर्थिक मदद मिले ली। साढ़े 450 रुपये का जो गैस सिलेंडर मिलेगा मुख्यमंत्री जी जो हमें दे रहे हैं, इससे हमारे घर की बचत होगी, घर अच्छी तरह से हम चला सकते हैं और जो भी कुछ हमें फ़ायदा होगा वो ये जो 450 का गैस मिल रहा है
उसकी वजह से होगा। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार रो आयोजन करो गयो। इन मौके कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा कया कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य रोग रा जरिया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ने लेर जागरूक करनो है। कार्यक्रम में 232 छात्र और कर्मचारी हिस्सो लियो। एक सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान के अध्यापकों, संस्थान के छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों ने भाग लिया और इसमें लगभग 200 के लगभग उपस्थिति थी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक योग को लेकर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है और विश्व को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चाहिए है, उसको रखना है, तो उसके लिए योग और आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण विधाएं हैं जिनको हम। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर सू जनजीवन प्रभावित हो रही है। ज्यादातर थोड़ा मत है 10 डिग्री सेल्सियस सू नीचे दर्ज करियो जा रही है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु माथे पुग गयो। कई थोड़ा मत है घनो कोहरो छाबा सू सड़क और रेल यातायात माथे भी असर पड़ रही है। मौसम विभाग अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और श्रीगंगानगर समेत 11 जिला में शीतलहर और घना कोहरा ने ले ऑरेंज अलर्ट जारी करियो है। इनके अलावा 10 जिला में येलो अलर्ट जारी करियो है। वर्तमान में राजस्थान के कुछ भागों में कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे, इसके अलावा घने से अति घना कोहरे का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में गंगानगर में सबसे कम अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि औसत से 8.7 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में सबसे कम न्यूनतम तापमान फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। घना कोहरा और कोल्ड डे की परिस्थितियां राजस्थान में अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने। टोंक जिला में नेशनल हाईवे 52 माथे सरोड़ी मोड़ रे कने काल रोडवेज और ट्रेलर डी टक्कर माए होगी। हादसा में 2 लोगों की मौत वेगी और 10 यात्री गंभीर घायल वे गया। घायला ने इलाज खातर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराए गयो और सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौथा माखे पुग गया। बताया जा रही है कि हादसों घणो कोरो हो बारे कारण हुयो। वटे नागौर माए भी नेशनल हाईवे 58 माथे सरहद झाड़ेली रोड माथे घणो कोहरा रे कारण गेहूं से भरियो एक ट्रेलर बेकाबू होर पलट गयो। हादसा में ट्रेलर चालक की मौत होगी और मौके पर पुलिस पुगी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन रे सड़क सु हटा यातायात सुचारू करवायो गयो। जयपुर रा सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आज 67वीं नेशनल स्कूल अंडर 17 बालिका कबड्डी प्रतियोगिता रो आगाज हुयो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रतियोगिता रो शुभारंभ करया। इन मौके वे कहा कि खेला सु शारीरिक और मानसिक विकास हुवे है। वे कहा कि जीवन में कदे भी तनाव नहीं लेनो चाहिए और आपरो एक लक्ष्य बनार उन मत है फोकस करनो चाहिए। अरब चालबा पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपया सु 32 विकास परियोजना में करया शुभारंभ और शिलान्यास। केरल र त्रिशूर में महिला शक्ति रैली ने भी करेला संबोधित। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रा अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या मामला में जांच जारी। एनआईए राजस्थान और हरियाणा में 31 ठोड़ा माथे कर रही है छापेमारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में शिविरारो हो रही है आयोजन। आमजन ने केंद्र सरकार की योजनावां सु करियो जा रही है लाभान्वित। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर रो दौर जारी। कई थोड़ा माथे घणो कोहरो छाबा सु सड़क और रेल यातायात प्रभावित। जयपुर रा एसएमएस स्टेडियम में आज 67वीं नेशनल स्कूल अंडर 17 बालिका कबड्डी प्रतियोगिता रो हुयो आगाज। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कयो खेला सु होवे है शारीरिक और मानसिक विकास।
ऐहा हाल तक खास राजस्थानी समाचार।